name is Ritika Singh. So finally, I'm back with another part of Truth and Dare. So if you are interested, then keep on watching. But before we get started, if you have not subscribed to my channel, then please subscribe to my channel and also hit the notification bell that you will get notified every time that I upload a new video on YouTube. And also follow me on my Instagram handle. This is my Instagram handle. And now, without wasting our time, let's get started. So first dare मुझे दिया वो दिया रिंकू ठाकुर ने. इन्होंने बोला है go in public and say to a stranger that कि आपके toothpaste में नमक है. Please do it. Biggest fan here. मतलब मैं जाऊंगी और बोलूंगी कि आपके toothpaste में नमक है, आपके toothpaste में नमक है, आपके toothpaste में नमक है. तो चलो करते हैं और देखते हैं कि जिस रिंकू पूछने वाले उसका रिएक्शन क्या होता है. एंड वो सोचेगा मतलब एड तो हम देखते हैं कि आपके toothpaste में नमक है. बट आज एक लड़की मेरे से पूछ रही है एंड लेट्स सी वो रिप्लाई भी करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए. बट आपने बोला है तो चलो करते हैं डेयर और बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है. वैसे आप मुझे कमेंट में बताना आपके टूथपेस्ट में नमक है, मेरे तो टूथपेस्ट में नहीं है, पता नहीं क्या क्या है मेरे टूथपेस्ट में. बट चलो हम पब्लिक से पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है. चलो मुझे दिया वो दिया मोहिनी ने. इन्होंने बोला है डियर क्लिक अ पिक इन टॉयलेट एंड पोस्ट इट इन योर व्हाट्सएप स्टेटस. यार चलो अच्छा है, एक चीज अच्छी इन्होंने इंस्टाग्राम नहीं बोला, नहीं पता नहीं क्या होता, इन्होंने व्हाट्सएप बोला है. और इन्होंने कोई टाइमिंग मेंशन नहीं करी, तो मैं 30 सेकंड के लिए पोस्ट करने वाली हूँ एक पिक्चर अपने टॉयलेट के साथ खींच के. तो चलो कौन कौन देखता है ये तो हमें पता नहीं है. चलो खींचते हैं फोटो और पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे. चलो तो फाइनली गाइस मैंने पिक्चर खींच ली और मेरी पिक्चर कुछ इस तरीके से आई है. मैं तो खींच रही थी टॉयलेट के साथ, उसमें मैंने इतने टेक लिए कि ये फोटो अच्छी नहीं आई, अच्छी आ रही थी मतलब टॉयलेट के साथ भी अच्छी फोटो देखी जा रही थी आज मेरी. तो चलो उसे मैं पोस्ट करती हूँ 30 सेकंड के लिए एंड देखते हैं कौन कौन देखने वाला है. एंड कोई प्राइवेसी नहीं रखूंगी मैं स्टेटस पोस्ट. गाइस मैंने पोस्ट कर दिया, मैं 30 तक गिन रही हूं, फटाफट से मैं डिलीट कर दूंगी और मैं देखने नहीं वाली कौन से इसने देखा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. चलो डिलीट करो, 30 सेकंड हो गए गाइस. दो लोगों ने देख लिया, देखती ओ कोई नहीं डिलीट करती हूँ फिर मैं बताती हूँ किसने देखा है. डिलीटेड. तो दो लोगों ने देखा है, वो है फर्स्ट थिंग मेरे भाई ने देखा है, उसको पता होगा कि मैं ऐसे मुझे डेयर मिला होगा इसीलिए मैं कर रही होंगी. तो उसने तो कोई रिप्लाई नहीं करा. एंड जो सेकंड देखा है वो देखा था मेरी मौसी ने. एंड वो फोन करके बोलेंगी मेरी मम्मी से अरे रितिका को क्या हो गया था, क्या स्टेटस पे डाल दिया. बट ठीक है यार, मौसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा, इज्जत बच गई. तो चलो यार नेक्स्ट डेयर पे चलते हैं एंड लेट्स सी रात को भैया आएगा, मैं उससे पूछूंगी आपको कैसा लगा मेरा स्टेटस. तो चलो नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं. सो नेक्स्ट ईयर मेरे को दिया है वो दिया अरुण कुमार ने. इन्होंने बोला आई हैव रीड ऑल योर डेयर्स गिवन बाय एवरीवन, सो योर ट्रुथ इज बाय योर पेरेंट्स नेम, योर नेम एज रितिका. आई डोंट नो क्यों रखा उन्होंने मेरा नाम रितिका, अब मेरे को भी नहीं पता क्यों रखा है. एंड अगर मैं उनसे पूछने जाऊंगी तो पता नहीं कौन सी मुझे कहानी बताने लगेंगे. तो रहने दो यार, पता नहीं क्यों रखा रितिका, बट ठीक है मेरे को अच्छा लगता है मेरा नाम रितिका. चलो ठीक है यार, मेरे को अच्छा लगता है मेरा नेम रितिका, किसी को अच्छा लगे या ना लगे बट मेरे को तो लगता है ना. ठीक है तो इन्होंने बोला है डियर गो एंड स्लैप योर ब्रदर. चलो थप्पड़ मारते हैं अपने भाई को. और बहुत सारे लोगों ने बोला है, किसी ने बोला है कि अपने भाई को थप्पड़ मारो और बोलो यहाँ पे मॉस्किटो है. क्यों बोलूं मैं बोल दूंगी मैं थ्रू डेयर वीडियो बना रही हूँ, एक चाटा खा लिया है, उसके बाद तो पता नहीं मेरा क्या ही होगा. बट ठीक है आपने डियर दिया तो चलो एक चाटा मार. मच्छर
मेरा डेयर होता है कंप्लीट, तो चलिए नेक्स्ट डेयर पे चलते हैं, बेचारे को चाटा पड़ेगा। तो नेक्स्ट डेयर मेरे से पूछा, वो पूछा है पार्क ने, इन्होंने बोला है डेयर ब्लैक फूड चैलेंज करिए। ऑलराइट, ये मेरे से ब्लैक फूड चैलेंज मांग रहे हैं। अगर गाइस आप भी मांग रहे हो कमेंट में बताओ कि आपको ब्लैक फूड चैलेंज चाहिए। और हाँ, इन्होंने बोला है तो मैं जरूर करूंगी, बिकॉज इन्होंने डेयर दिया एंड इनका डेयर पेंडिंग है, मैं जरूर करूंगी ब्लैक फूड चैलेंज। एक दो वीडियोस के बाद पक्का ब्लैक फूड चैलेंज आएगा। मैंने तुरंत पूछा ऑकवर्ड पिक्चर ऑफ योर लाइफ। तो ऑकवर्ड पिक्चर मेरे फोन में होगी नहीं, पता नहीं, मेरे फोन में होगी नहीं, मैं डिलीट कर देती हूँ जो भी मेरी गंदी फोटो होती है। एंड मैं नहीं चाहती यार मेरे मोबाइल में रहे एंड देख देख के मैं उसे हंसू या फिर कुछ भी, कोई भी देख ले मजाक उड़ाए, कोई भी नहीं चाहता, इसलिए मैं डिलीट कर देती हूँ। एंड अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, ये मेरी ऑकवर्ड पिक्चर है। सो चलो नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट ईयर मुझे दिया है, वो दिया सौम्या यादव ने, इन्होंने बोला है प्रैंक कॉल ऑन योर सब्सक्राइबर। तो इन्होंने बोला है कि अपने सब्सक्राइबर को प्रैंक कॉल करो, तो इन्होंने ही बोला है तो हम चलो इनको ही प्रैंक कॉल करते हैं। एंड आप लोग पूछ रहे हो कि इनका नंबर मेरे पास कैसे आया, तो ये मुझे बहुत सारी मेल भेज रही थी कि प्लीज कॉल मी। और इन्होंने मुझे डेयर भी दिया, तो चलो इनको कॉल करते हैं एंड लेट्स सी इनका क्या रिएक्शन होता है। एंड प्रैंक कॉल बोला तो मैं प्रैंक कॉल ही बोल करने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगी कि मैं रितिका बोल रही हूँ। तो चलो थोड़ा सा प्रैंक करते हैं, बाद में हम बता देंगे कि मैं रितिका बोल रही हूँ। चलो प्रैंक करते हैं एंड लेट्स सी ये हमारा प्रैंक सक्सेसफुल भी होता है कि नहीं। तो चलिए करते हैं। गाना देख रहे हो? हेलो 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 कौन? हेलो सौम्या दीदी, मैं आपकी सब्सक्राइबर बोल रही हूँ। हेलो फोन कट कर दिया गाइस, सीरियसली फोन कट कर दिया। एक और बार मिलाते हैं। गजब बेइज्जती है। बिजी हो गया? गजब बेइज्जती है यार। और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हेलो हेलो सौम्या दीदी, मैं आपकी सब्सक्राइबर बोल रही हूँ। मेरा नाम अंजलि है। हाँ दीदी, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। अरे दीदी नंबर तो छोड़ो, आप पहले बताओ आप दूसरा कंटेंट क्या लाने वाले हो, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ दीदी, आप बात क्यों नहीं कर रहे? हेलो हेलो, हाँ दीदी मैं बोल रही थी आप अगला कंटेंट क्या लाने वाले हो, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यार दीदी ये आप यूट्यूबर्स का प्रॉब्लम क्या होता है, आप यूट्यूबर्स का प्रॉब्लम क्या होता है, आप वीडियो मैं तो बोलती हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बट यार कॉल करते हैं। शुड ड्यूड फोन काट दिया, दो बार बेइज्जती हो गई क्या हो रहा? अब मैं उसे बोल देती हूँ, आई थिंक वो थोड़ा सा डर गई है, तो मैं उसे बोलती हूँ मैं रितिका बोल रही हूँ, मैं एक प्रैंक कर रही थी। आई थिंक किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा डर रही है बिकॉज मुझे नहीं पता उनकी एज क्या है, वो मेरे से बड़ी है कि छोटी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो बोल देती हूँ मैं रितिका बोल रही हूँ, कहीं बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त। फोन नहीं उठा रही यार, वन मोर ट्राई। बिजली खोल बिजली, लेट्स ट्राई। हेलो हेलो सौम्या, मैं रितिका बोल रही थी। हेलो हाँ सौम्या, मैं रितिका बोल रही थी, आपने मुझे मेल पे नंबर दिया था ना? हाँ। तो मैं आपका डेयर ले रही थी, मैंने कहा आपने बोला था कि अपने सब्सक्राइबर को प्रैंक करो, तो मैंने सोचा मैं आपको ही कर दूँ, आपने मेल पे नंबर सेंड करा हुआ है। अच्छा आप मेरी वीडियोस देखते हो? हाँ देखती हूँ। आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस? अच्छी
अच्छा चलो ठीक है, आप इसका भी कर लो, मैंने आपको भी मतलब में डरा दिया। चलो ठीक है बाय। फाइनली गाइज मैंने उन्हें बता दिया कि मैं रितिका बोल रही हूँ, नहीं तो बाद में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती थी, तो मैंने इन्हीं पे प्रैंक कर दिया बिकॉज इन्होंने बोला था, तो मैंने सोचा इन्हीं पे कर देते हैं। तो चलो यार नेक्स्ट डेयर की तरफ चलते हैं, ये डेयर थोड़ा सा खतरनाक था। तो नेक्स्ट डेयर मुझे दिया वो दिया कल्पना ने, इन्होंने बोला है डेयर ईट मैगी विद चॉकलेट सिरप। यार इतनी अच्छी मैगी होती है लेकिन नहीं, उसको थोड़ा सा वियर्ड बनाना है, वो भी किसके, चॉकलेट सिरप के द्वारा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला है, किसी ने बोला है कि मैगी को चॉकलेट के साथ खाओ, तो सिंपल मैं चॉकलेट के साथ खाने वाली हूँ बिकॉज मैगी तो गर्म है यार, अगर मैं चॉकलेट डालूंगी तो मेल्ट हो जाएगी आई थिंक। तो चलो खाते हैं मैगी थोड़ी सी स्पाइसी और चॉकलेट मीठी, कैसा कॉम्बिनेशन आएगा, तो चलो ट्राई करते हैं। आई थिंक आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस, तो चलो करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। आ गई मेरी मैगी और ये आ गई मेरी चॉकलेट, चलो खा के देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। आई डोंट नो पता नहीं कैसा वियर्ड सा टेस्ट आने वाला है, बट लेट्स टेस्ट। देखो अच्छी खासी अमाउंट में डालूंगी चॉकलेट, दो पीस डालती हूँ और देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है। तो ये देखो मैंने एक कोने पे बहुत सारी चॉकलेट डाल दी है, ये पूरा कोना मैं खाने वाली हूँ मैगी के साथ, सो टेस्ट करके देखते हैं यार कैसा टेस्ट आता है। ऑलराइट गाइज मैगी जो है हमारी गर्म है, इसलिए चॉकलेट मेल्ट हो रही है, तो इसके ऊपर ये देखो चॉकलेट रखी हुई है, आपको दिख रही होगी मेल्ट हो रही है। सो चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। जी यार स्टार्टिंग में कितना गंदा टेस्ट आ रहा है। म्यूजिक गंदा टेस्ट आ रहा है, इतना गंदा। एक तो मैगी के जो मसाले होते हैं वो आपको पता ही है कैसे होते हैं, ऊपर से आप मीठा खा रहे हो कुछ तीखा चीज के साथ, एंड यार मेरी पूरी मैगी वेस्ट हो चुकी है बिकॉज चॉकलेट मैंने डाली थी और पूरी की पूरी मेल्ट हो गई है, खराब हो गई मेरी मैगी। बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। अगर आपको ट्राई करना ना तो ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे बताना कैसा टेस्ट आया, वैसे तो बहुत गंदा है, बिल्कुल बहुत गंदा था। तो नेक्स्ट डे मेरे को दिया वो दिया सिर्जना शर्मा ने, इन्होंने बोला तो योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। तो मेरा मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट मैंने आपको Q&A पार्ट 1 में बताया था, तो वहां जाके देख लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर मैं आपको यहां बताने लगी तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, तो यार मैंने Q&A फर्स्ट में बताया था Q&A पार्ट 1 में, तो गो एंड चेक आउट। इन्होंने डेयर दिया डिप योर फेस इनटू फ्लावर, क्या डेयर था, मजा ही आ गया सुन के। तो चलो अपने फेस को गंदा करते हैं, फ्लावर में डिप करते हैं, देखते क्या होता है। तो गाइस आ गया है आटा और चलो इसमें अपना मुंह मारते हैं। तो ये देखो गाइस मैंने आटे में अपना मुंह मार लिया है और कमेंट में बताओ मैं कैसी लग रही हूँ, आई नो मैं भूतनी लग रही हूँ। तो चलो फटाफट से इसको मैं क्लीन करके आती हूँ एंड फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ईयर पे। सो नेक्स्ट ईयर मुझे दिया है वो दिया है गीत पांजावनी ने, इन्होंने बोला है डियर गो इन पब्लिक एंड सिंग ढिंचक पूजा सॉन्ग। यार मतलब चाहते क्या हो, कोई कहता है पब्लिक में नाचो, कोई कहता है कुछ करो, कोई कहता है कुछ, और आपने बोला है कि पब्लिक में जाके मतलब गाना गाओ, वो भी नाच के पागल सॉन्ग, मतलब पब्लिक हैरान हो जाएगी, गाना गा रहे चलो चलता है वो भी नाच के पागल, सीरियसली यार। बट चलो आप लोगों ने मुझे डेयर दिया है और मैं कंप्लीट ना करूं, ऐसा हो सकता है, तो चलो ये वाला गाना भी गा के आते हैं नाच के पागल, एंड लेट्स सी कि कौन देखता है मेरे गाने को, कौन सुनता है मेरे गाने को। तो चलो ये वाला गाना गा के आते हैं हम पब्लिक में, तो चलो चलते हैं और गा के आते हैं नाच के पागल, पागल होके नाचो।
और नाच के पागल हो जाओ। चलो नाचो, नाच के पागल हो जाओ, पागल हो के नाचो, नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिले खटिया चल कर डांस हो जाओ। फिर नाचो, नाच के पागल हो जाओ, पागल हो के नाचो, नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिले खटिया चल कर डांस हो जाओ। सो या गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है, देन मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम हैंडल। सो या गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते, एंड या हैप्पी होली इन एडवांस।